हमारी लाज, हमारे शर्म, हमारा जो गहना है वो हमें दो, मर्दों का गहना हमें क्यों दे रहे हो? मर्द की शान है पगड़ी, तो मर्द के सिर पे अच्छी लगती है, औरतों के सिर पे अच्छी नहीं लगती, औरतों के सिर पे ये चुन्नी अच्छी, ओढ़नी अच्छी लगती है, उनका आशीर्वाद अच्छा लगता है, तो ये जरूरी है हमारे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वैसे मन छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, देखे नहीं नंबर वाई आगे से आगे लड़कियाँ तैयार थी, और फिर भी लड़कियाँ तैयार होकर स्टेज पर आ गई थी, और बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी ऑडियंस, इतने अच्छे सब, जैसे पूरा परिवार इस तरीके से बैठ के देख रहे थे और इतना प्यार से देख रहे थे कि जैसे लग रहा था कि अपनी बेटी आई है और उनको नज़र गड़ा के देख रहे एक धार, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह मुझे मिल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। बस यही चाहती हूँ मैं कि हर बार इस तरीके से मौका मिलता रहे और मैं सारी अपनी पब्लिक से, अपने ऑडियंस और अपने जो परिवार है उनसे मैं रूबरू होती रहूँ। और दोनों से आपका क्या रिश्ता है? डोनल्ड मेरा बहुत पुराना रिश्ता है कि मेरी जो ज़िंदगी है ना, जिसको कहते हैं कि लाइफ दाता, वो यहाँ बसते हैं मेरे, मेरे को जो पुष्कर से लेके आने वाले हैं वो हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी, टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर, और बोनी बना जी और इनके पापा जी और रणवीर बना जी, ये मुझे वहाँ से पुष्कर मेला से ही लेके आए हैं। गुड़दौड़ में मैं डांस कर रही थी उसमें लड्ढे पर, तो इन्हीं के वो सारा जो कंपटीशन हो रहा था उसमें थी मैं, और फिर शाम को मेरे को वहाँ पे इनवाइट किया, और टीलों पे जब डांस कर रही थी तो हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी ने देखा कि सपेरों की लड़की पहली बार यहाँ डांस कर रही है, तो बस इनका सबका मिला के मेरे पे इतना बड़ा आशीर्वाद है कि मैं इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ी हूँ। और मेरे जैसे कहते ना, एक ज़िंदगी जन्मदाता अलग होते, लाइफदाता अलग होते, तो ये मेरे एक लाइफदाता है जो मुझे तराशा और मेरे को परखा और मेरे को यहाँ जयपुर लेके आए और जयपुर से आगे मुझे पहुँचाया। और मैं बाबूजी के घर ढूंढड़ो हाउस में जाती थी, वहाँ पे बनी बना जी के घर पे, और मम्मी और पापा से मिलती थी, वो मुझे बेटी ही मानते थे, हर बार मेरे को कहते अरे बचड़ी, अरे बेटी तू बहुत आगे जाएगी बेटा, और तू आया क्या कर। हम लोग तो बस यही है कि जिनका आशीर्वाद मिल जाए और प्यार मिल जाए, हम प्यार के भूखे थे, उन्हीं के पास चले जाते, तो हर सुबह उठते थे और दूसरे तीसरे दिन चले जाते आशीर्वाद लेने के लिए। हमें कुछ पैसा ही मिलता था, कुछ अब वहाँ से कुछ आशीर्वाद मिलता था और वो लेके हम लोग राजी हो जाते। और इस तरीके से घर से स्टार्टिंग की थी, पुष्कर मेला से स्टार्टिंग की, यहाँ तक पहुँचे, ढूंढोड़ तक पहुँचे और हम इंग्लैंड तक पहुँचे, विदेशों में पहुँचे, 165 कंट्री के। बस इन्हीं का यही आशीर्वाद है, इनसे यही मेरा नाता है कि ये मेरे एक लाइफ दाता है। एक कन्या भ्रूण हत्या को भी लेकर आपने भी बहुत बड़ी बात कही है, तो कन्या भ्रूण हत्या को आप कैसे क्या मानते हैं? मैं यही कहती हूँ कि जैसे मेरी माँ ने मुझे बचाया, मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया, तो मैं हर माँ को यही कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ जो 5 घंटे के बाद धरती माता के पेट से ला सकती है, तो क्या आप अपने पेट में वाले बच्चे को क्यों नहीं बचा सकती? क्योंकि वो तो समाज के खिलाफ जाके धरती माता के पेट से लेके आई, और आप अपने पेट में बच्चा होता है उनको आप कन्या भ्रूण हत्या के लिए कैसे राजी हो जाती हैं? तो आप वो एक कलेजे का टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा, आप उनको खून, मांस, हार्ट सब दे रही हैं, फिर किसका हक? आपका बच्चा है वो, आप सब कुछ दे रही हैं, तो दूसरे का कोई हक नहीं हो सकता, वो चाहे बाप ही क्यों नहीं हो, वो चाहे समाज ही क्यों नहीं हो, क्योंकि आप बांट रही हैं सब कुछ उसको, तो आपका हक ज़्यादा होता है माँ का, और माँ जो डिसाइड कर ले वो पक्का होता है, और माँ के कलेजे से कोई भी नहीं छीन सकता। अगर माँ ये डिसाइड कर ले तो कन्या भ्रूण हत्या बंद हो सकता है। आप एक सपेरा जाति से होकर भी पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में नाम रोशन किया, तो इसको कैसा फील करती हैं? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और किस्मत वाली हूँ कि मैं सपेरा समाज में जन्म हुआ मेरा, और ऐसी समाज में जो बिछड़ी समाज थी, और वो समाज को आज पूरी दुनिया में, आज यूनेस्को में शामिल हो गया हमारा समाज, हमारा कालबेलिया डांस और ये सपेरा डांस, तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को अभी, मैं 81 से स्टार्ट किया ये डांस, में 7-8 साल की थी जब से, और मेरे देखते देखते ये डांस 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ, इसी डांस को 2016 में अभी पद्मश्री देके सम्मानित किया गया, क्योंकि फोक डांस को पूरे वर्ल्ड में आज तक पद्मश्री नहीं मिली है, और मुझे इस डांस को, मेरे होते होते इसको पद्मश्री भी मिली, अभी भारत गौरव अवार्ड जिसको बहुत बड़ा बोलते हैं वो भी मुझे मिला, एक डॉक्टरी का खिताब मिला मुझे, मेरे को PhD का भी सर्टिफिकेट मिला है कि मेरे को डॉक्टर आज ग्लाबो सपेरा डॉक्टर लगाती है, तो ये डॉक्टर ग्लाबो सपेरा बन गई आपके सामने आज, जीते जी मेरे स्टेचू आज उजार कला केंद्र के पास में, आप सर्कल है उस पर 3 स्टेचू बना के मेरे डांस के अलग अलग पोज के बना के लगाए हुए हैं, भीन, डफ और मेरे डांस के पोज, वो मुझे देखते देखते मिला। मेरा समाज सारा जो मांग के खाता था, जो घर घर जाता था, जो गाँव का कुएं का पानी पीने से भी डरते थे और लोग उनको मारते थे, आज वही समाज सबके बीच में बैठता है और सबके साथ
एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं और हमारा समाज आज घरों में रहते हैं, जो गधों पे लत के चलते थे आज वो गाड़ियों में चलते हैं, तंबू डेरे में जंगल में रहते थे आज वो मकानों में रहते हैं, शहर में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात और खुशी की बात ये कि बच्चे इतने, मेरी बेटी की, पहला मेरी बेटी है जिसने पढ़ाई किया, उसके बाद बच्चों ने पढ़ाई लिखाई की, आज पता है पढ़ लिख के कोई पुलिस वाला बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, आज मेरे दामाद जी है वो आज वो स्कॉटलैंड बैंक के वो मैनेजर हैं, और इनके छोटे भाई हैं वो आज वकील है और जज की वो ट्रेनिंग और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कोई पुलिस वाला बाड़मेर में एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर बनाए, थानेदार बनाए, तो सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनना। सबसे बड़ी बात है कि नेता भी बन गए हमारे समाज में और हक मांग रहे हैं और अधिकार मांग रहे हैं, और राजनीतिक में भी चले गए हैं बहुत सारे हमारे जो कालबेलिया समाज के, क्योंकि मैं अखिल राजस्थान महासभा की अध्यक्ष हूँ, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि मैं समाज के लिए भी काम करती हूँ, मैं घुमतू समाज के लिए भी काम करती हूँ, पूरे समाज को जोड़ने का काम करती हूँ, एक धागे में पुरोने का काम करती हूँ, लड़कियों को आगे बढ़ाती हूँ और जो पिछड़े समाज है उनको मैं आगे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और उनको ये कहती हूँ कि अपना भी हक है, अपने भी मांग सकते हैं और हम हमारा आरक्षण मांग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ मुझे देखते देखते मिल रहा है। तो क्या कभी आपको राजनीति में जाने की भी कोई ऑफर वगैरह कुछ मिली है? बहुत सारे मिलते हैं, आज से नहीं, बहुत दिनों से मिल रहे हैं कि आप राजनीतिक में आ जाए या आज हमारी पार्टी में आ जाए, उनकी पार्टी में। मैंने कहा मेरी तो पार्टी है ना गुलाबो एंड पार्टी, और कौन सी पार्टी में जाऊँ, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं, बस इतना जानते हैं, राजस्थान में रहते हैं, राजस्थानी हैं, हमारा तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, बस हम ये जानते हैं, हमें किस पार्टी में जाके क्या करना है। एक तीन पीढ़ियाँ भी आज एक साथ स्टेज पर दी, तो वो कैसा मानती है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी तीसरी पीढ़ी मेरे साथ कर रही है, कि मैं इसी उम्र में थी, मैं ये कहना भूल गई, मैं इसी उम्र में थी तब ढूंढ आई थी, और आज मैं मेरी पोती के साथ, मेरी पोती मेरी उम्र की है आज जो वो यहाँ आई 8 साल की, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आज तीसरी पीढ़ी के साथ हूँ और मेरी पोती मेरे साथ कर रही है। तो इस ये डांस मरेगा नहीं, ये डांस जिंदा रहेगा और आगे बढ़ेगा। आज मैं कोरोना में बैठ गई थी 2 साल, पर ऑनलाइन में डांस सिखाती थी, सब लड़कियां वहाँ की कहती गुलाबो हम भूखे मर जाएंगे अगर आपने डांस नहीं सिखाया तो। आज मैं जिनको डांस सिखाती हूँ विदेशी लड़कियों को, वो आगे डांस सिखाती है और वो ये कहती है कि हम सरकार में जब जाके हमारे एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें इंडिया जाना है गुलाबी सपेरा के पास में डांस सीखने के लिए, तो हमें 6 महीने का स्कॉलरशिप मिलता है और वो लोग उन वो खर्चा देते हैं और हम आपके पास 1 महीने डांस सीखते हैं, 5 महीने हम पूरे इंडिया में घूम के जाते हैं सिर्फ आपकी बदौलत गुलाबी, और हम डांस सिखाते हैं उनके पैसे भी हमें मिलते हैं। एक झुंझुनू की भूमि, वीरों की भूमि है, तो झुंझुनू को लेकर क्या कहें? झुंझुनू को जी, झुंझुनू जो हमारी वीरों की भूमि है, सबसे ज्यादा शहीद यहाँ से हुए हैं, सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला जिला है, तो इसको लेकर क्या? मैं उनको तो बहुत बहुत नमन और हाथ जोड़ के मैं उनको बहुत एक कहते हैं कि धोख लेते हैं वो वाली बात है राजस्थानी की, मैं बहुत उनको नमन करती हूँ दिल से कि आज झुंझुनू झुंझुने वालों की और इतने शहीदों की, इतने एक महारथियों की सिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सती माता है वहाँ पे, तो जी, मुझे तो बहुत गर्व फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं विदेश में भी अगर जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि हम हिंदुस्तानी राजस्थानी, और वो एक बीच में कह रहे थे कि घूंघट प्रथा हटाओ, घूंघट प्रथा एक, मैं इस घूंघट में डांस करते करते 165 कंट्री चली गई, तो ये घूंघट, ये नहीं होता कि ये घूंघट यूँ ही निकाल रही, ये घूंघट दिल का भी होता है, घूंघट एक लिहाज का भी होता है, शर्म का भी होता है, और जो होती है वो ये एक एक आंचल है हमारा, ये शर्म है हमारी, लाज है हमारी, और यही हमारी एक दौलत है, हमारी ये एक प्रथा है और हमारी एक अनमोल दौलत है जो जिसको कोई भी नहीं छीन सकता, ये हमारा आंचल है, इसमें हमारा बच्चा को गोद में लेते हैं, बच्चे को छुपाते हैं, हमारा पति देव आते हैं वो उनसे हाथ से मुँह पहुँचते हैं और इसी से छेड़ा बंध के, और इसी के पीछे पीछे हम पति के पीछे आते हैं कि हमारी चुन्नी से पल्ला बनता है तभी हम लोग पति के पीछे आते हैं। बेटियों के लिए क्या संदेश है? तो बस इसी बेटियों को मैं हर जगह से वही बात पूरा करना चाह रही थी, मैं वही बात कहना चाह रही थी कि हर जगह कि हम ऐसी धरती पे रहते हैं जहाँ हमारे झुंझुनू में हमारी माता सती भी हुई है, पति के पीछे आप लोग आज एक को देख के दूसरा देखते हैं लेकिन हम तो एक ही पति का मुंह देखते हैं ना, हमारे ऐसी सती माता है कि वो अपने पति के अलावा किसी का मुँह ही नहीं देखा किसी का होता है। मॉडर्न जमाना हो रहा है तो किस तरह से देखते हैं? बस वही है, मॉडर्न जमाना हो रहा है, जैसे मॉडर्न हास्य भी हो रहे हैं जी, मैं तो सबको पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी, लड़कियों को भी ये कहना चाहूँगी कि जैसे मॉडर्न बनते जा रहे हैं मॉडर्न ही हादसे हो रहे हैं, कितने एक कहीं गैंग रेप हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, कहीं 2 साल की बच्ची, 20 दिन की बच्ची, साल भर की बच्ची, 5 दिन की बच्ची, 1 महीने की बच्ची, 2 साल की, ये रोज़ सुनने को मिलता है, तो आत्मा रोती है कि
अगर उन्हीं पे अपना अगर थोड़ा पर्दा रखें, वही मैंने आंचल वाली बात कही अभी कि वो अपना पर्दा रखें, जहाँ लड़कियाँ 20 मीटर का घाघरा, 2 मीटर की चुन्नी चोली और 5 मीटर का चुन्नी ओढ़ती थी, वहाँ पे आज 1 मीटर का कपड़ा पहनते हैं, तो वो एक अपने प्रथा को सूट नहीं करती वो चीज़। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप पढ़ें लिखें मॉडल बने, लेकिन आप अपने जो परंपरा है, अपनी जो संस्कृति है, उसको नहीं भूलें, और ये एक औरत का अनमोल गहना है, इसको नहीं भूलें।